नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। हर रोज की तरह हम आज भी जानेंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि आखिरकार आज आपकी किस्मत आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आई है, क्या कुछ खास मिलने वाला है आज आपको किस्मत से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे लाइफ डिजाइनर एंड टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिड्डा का, जो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। सीमा जी से जानेंगे आज कई सवालों के जवाब। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज हम आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाले हैं किस्मत कनेक्शन में रोज की तरह। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की। जी सीमा जी, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन जो दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनके लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, जिनका बर्थडे है आज, उनके लिए आज सीमा जी क्या कुछ खास बताने वाले हैं ये भी जानते हैं। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी ओर से, हरियाणा न्यूज की तरफ से आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और भगवान करे कि आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत खुशियां लाए। लेकिन मेरे कार्ड ये कहते हैं आज जो भी है उसके लिए शुक्रगुजार होना है और दिखावा नहीं करना है, और खूब अच्छी तरह से सेलिब्रेशन करें, और आज आपकी यश कीर्ति नाम और आपका भाग्य उदय होने वाला है, तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास बना सकते हैं आप पॉजिटिव विचारों से। चलिए पॉजिटिव विचार रखिए, जिनका जन्मदिन है आज आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन कभी भी नकारात्मक सोच आज अपने आसपास मत भटकने दीजिए। करनाल से कुसुम दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कुसुम कहिए क्या सवाल है आपका। कुसुम अपना सवाल पूछिए, कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं आप। आज 12 अप्रैल 1989 जी बेटे का बर्थडे है, उसकी जॉब कब तक लगेगी? जहाँ तक बात आती है डेट ऑफ बर्थ की, और उसमें ये आ रहा है कि बहुत ही जल्दी अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपके बेटे के कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या उनको नौकरी विद इन 2 मंथ्स और 3 मंथ्स जून तक मिल जाएगी, और या यूं कहें कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नौकरी तो मिलेगी ये बात पक्की है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा या जल्दी मिलेगी, तो 2 मंथ्स के अंदर अंदर नौकरी मिल जाएगी। आपको अपने यत्न प्रयत्न जारी रखने होंगे, उनमें कोई कमी नहीं छोड़नी है। लेकिन यहाँ पे कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है नौकरी मिलने के लिए, तो हम अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं आपके बेटे की नौकरी के लिए। चलिए कुसुम जी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा इंतजार नहीं है, सिर्फ 2 महीने का इंतजार है, 2 महीने के अंदर अंदर आपको बेटे के जरूर जॉब मिल जाएगी, मनपसंद जॉब मिलेगी, मनपसंद जॉब मिलेगी, तो और भी खुशी वाली बात है, क्योंकि कार्ड्स उनके लिए पॉजिटिव आए हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम एक नंबर वालों के लिए जान लेते हैं कि आखिर एक नंबर वालों को आज का दिन कैसा रहेगा, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ कह रहे हैं, और आखिर क्या आज उनके मन का होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पे आज उनके मन का होने वाला है, बिल्कुल अनुभव का सदुपयोग कर पाएंगे, एनर्जी का भरपूर समायोजन बनाकर चलेंगे, और धन धान्य में सुख समृद्धि में आज बहुत वृद्धि होने वाली है। आपको मन चाहिए गुड न्यूज मिलने वाली है। ये भी कहूंगी कि एनर्जी को बना के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा, और अपने सारे अनुभवों का सदुपयोग करना रहेगा। चलिए एक नंबर वालों को एनर्जी बनाए रखनी है। सोनिया हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। सोनिया कहिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम गर्व कपूर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 जनवरी 2011 दिन शुक्रवार जी। और 8:49 का उसका जन्म है। मैं उसके बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि वो नहीं जी, उसके बारे में क्या जानना चाहती हैं? आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। ये मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वो मंगली है या नहीं। ओके, पहली बात वो आपको कुंडली से ग्रहों से पता चलता है, लेकिन ये बात लगती है डेट ऑफ बर्थ से कि वो मांगलिक हो सकते हैं, लेकिन उसका आपकी जिंदगी में ये अफेक्ट ना लाए आज से सोचकर कि वो मांगलिक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो मांगलिक हो या कोई भी ग्रह उसके हो, मंगल जो होता है वो मंगलकारी होता है, वो आपके लिए भी बहुत मंगलकारी है,
लेकिन ये सोचना कि वो मांगलिक है या नहीं मांगलिक है, उसके उसके आपकी पेरेंटिंग में और उसके आपको सपोर्ट सिस्टम में, कहीं कोई पढ़ाई में, आज आपको उसकी हर चीज़ में आपका उसको सपोर्ट करना है, ये सोच कर कि खाली मांगलिक है टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग मांगलिक होते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ अच्छा होता है इस दुनिया में। एक एवरी ह्यूमन बींग जो होता है वो कुछ ना कुछ खास लेकर ज़रूर आता है, वो एक हीरे की तरह होता है, उनको ठीक से तराश की ज़रूरत है आपकी तरफ से। अगर आप ठीक से तराशेंगे तो पक्का से वो शाइन करेंगे। यहाँ पे मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई कार्ड निकालने की जरूरत है, आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। चलिए, रजविंदर कौर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रजविंदर जी कहिए, क्या सवाल है आपका? मैम, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी गुरदास सिंह नाम है उसका। जी, जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 फरवरी 1996। जी हाँ जी, सवाल तो आप क्या है, पूछना क्या चाहते हैं? मैम, उसने ना एसएससी का पेपर दे रखा है, अभी तक कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, उसमें वो पास होगा या नहीं? जो उसने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट कैसा रहेगा ये कार्ड से देख लेती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा उसका टाइम जो कष्टकारी चलता है, थोड़ा इंतजार का चलता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई परीक्षा में वो बहुत जरूर आगे निकलेंगे, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और आपका नाम रोशन जरूर करेंगे। जो एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है इंतजार करना पड़े, लेकिन उसकी गाड़ी तो चल निकलेगी, यानी उसका एग्जाम आगे जरूर क्लियर करेंगे। अभी हो सकता है उस एग्जाम को लेकर थोड़ा इंतजार करना पड़े, पर बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स को लेकर। चलिए, निश्चित तौर पर आपके बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पॉजिटिव कार्ड्स हैं उनके लिए, परेशान मत होइए। आगे बढ़ते हुए 3 2 नंबर वालों के लिए जानेंगे कि आखिर 2 नंबर वालों का आज का दिन कैसा गुजरेगा, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ खास कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे देखना चाहूंगी नंबर 2 का आज का दिन क्या खास लेकर आया है कार्ड्स के द्वारा। भाई, आपको पूरी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ अपनी जिम्मेवारियां आज बांट कर चलनी होगी, सामने आए हुए चीजों को पॉजिटिव तरीके से लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, सब कुछ होते हुए भी हम ये कहते हैं ये नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, पूछो उनसे कि कैसा रहेगा बिजनेस, तो वो बोलते हैं अच्छा नहीं, तो आज आपको अच्छा बोलना है। और आज खुशियों को सेलिब्रेट करने का दिन है, अपने लोगों से अपनी खुशियां जरूर बांटे, आपको और खुशी मिलेगी। चलिए, 2 नंबर वालों के लिए सेलिब्रेशन का दिन है, खुशियां जरूर मिलेंगी आपको, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपनी खुशियों को। 3 नंबर वालों का समय है, लेकिन उससे पहले सोनू हमारे दर्शक हैं, उनके सवालों का जवाब देंगे। सोनू कहिए, क्या सवाल है? सोनू सवाल बताइए अपना। हाँ जी मैम, मेरे कई बार मैंने कर दी पर मेरे को नौकरी नहीं मिल रही। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सोनू। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये है मैडम 22 सितंबर 1995। 22 सितंबर 1995 जी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये आ रहा है कि चाहे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आपके जन्मदिन के बाद आपका पक्ष में आ रहा है टाइम, और आपकी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। आपके अंदर स्ट्रांग विल पावर है, इंटेलिजेंट आप हैं, आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। ये देख लेते हैं और आपका आगे का फ्यूचर कैसा रहने वाला है जॉब को लेकर, तो फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है, दिल से विल से चलते जाएं, कार्ड बहुत पॉजिटिव आया आपके फ्यूचर का। और जहां तक नौकरी मिलने की बात है, थोड़ा अभी वक्त चाहे लगे, लेकिन ये जरूर स्टेबिलिटी में बदलेगा, आपको जॉब जरूर मिलेगी, और आपके बर्थडे के आसपास आपको बहुत सारे, उसके 1 2 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जॉब भी मिलेगी और खुशियां भी मिलेंगी। चलिए, तो निश्चित तौर पर आपको खुशियां मिलने वाली हैं, थोड़ा इंतजार करिए। अब 3 नंबर वाले इंतजार कर रहे हैं, आखिर सीमा जी उनके लिए आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, उनका दिन बिल्कुल कैसा गुजरेगा, ये भी जरा 3 नंबर वालों को बताइए। देख लेते हैं नंबर 3 के लिए आज के कार्ड्स क्या संदेश लेकर आए हैं, और इस संदेश में क्या टिप छुपी हुई है ये भी देख लेते हैं। तो अभी तक जो मेहनत कर रहे थे करते जाएं, लेकिन प्रतिस्पर्धा से घबराना नहीं है, इस कंपटीशन में आप ही की जीत होगी, और चलते जाएं, और 2 काम एक साथ ना करें, एक एक करके करें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आएंगी भी और जाएंगी भी, आप उनको तरीके से लें। आज कंपटीशन से घबराएं नहीं, आज का दिन अच्छा बनाने के लिए मेहनत मेहनत याद रखनी होगी। चलिए, 3 नंबर वालों को कभी भी ना 2 काम एक साथ हम भी अगर करते हैं तो हमें मुश्किलें आती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले 1 काम को करें, उसके बाद दूसरे काम को पकड़ें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है।
चार नंबर वालों के लिए आखिर सीमा जी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ खास होने वाला है उनके लिए, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, मेरे को हर रोज लगता है कि हर इंसान के लिए कुछ खास लेकर आते हैं कार्ड्स। यहाँ पे यश कीर्ति धन धान्य सुख समृद्धि बहुत ही अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आज आपका दिन बहुत ही अच्छा है, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का है, पूरी तरह से वातावरण में छाए रहेंगे, लेन देन को बराबर करना होगा आज, और कोई ऑपोजिट व्यक्ति आज आपकी काबिलियत को सराहना मिलेगी बहुत ज्यादा, वो आपको आज दिन आपका बहुत अच्छा है और आप अपने दिन को खुशियों से मनाएं। चलिए, चार नंबर वालों को खुशियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है, अपने दिन को खुशियों से मनाइए। निश्चित तौर पर आज का दिन आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आया है, धन धान्य यश सब कुछ है आज आपके लिए इन कार्ड्स में। पांच नंबर वालों के लिए क्या कुछ खास लेकर आया है आज का दिन, कार्ड्स उनके लिए क्या कहते हैं, आखिर क्या कुछ खास मिलेगा उन्हें, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे स्ट्रेस में नहीं रहना है और एक साथ बहुत सारे काम नहीं करने हैं, शेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूडे। लेकिन ये बात पक्की है कि आप चाहते हैं आप खुद करें, लेकिन उसको प्लानिंग ठीक से करें। अगर आप मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो फायदा रहेगा। एनर्जी बना के चलें, पॉजिटिव सोच के चलें, और ये भी कहूंगी कि नई अपॉर्चुनिटीज को भी ग्रैब करें तो ही आगे जिंदगी अच्छी चलेगी और अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, पांच नंबर वालों को आज का दिन बहुत अच्छा है, कार्ड्स उनके लिए बहुत कुछ अच्छे आए हैं। आज आपको चिंता नहीं करनी, डिप्रेशन में नहीं जाना है, खुश रहना है, आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। छह नंबर वालों को क्या कुछ खास करना है, कार्ड्स उनके लिए क्या कुछ खास कह रहे हैं, आखिर क्या कुछ नया मिलने वाला है उनको आज, ये भी जानेंगे। बिल्कुल, अगर आपका नंबर है छह, जैसे 6 और 15 और 24 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर होता है 6, और यहाँ पे आज दिल से किसी बात को नहीं लगाना है एंड दिमाग में भी कोई टेंशन नहीं लानी है। यहाँ पे ये कहेंगे कि आसपास के वातावरण और लोगों से सबको सबसे आपको भरपूर प्यार मिलेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट को एक साथ ना मिलाएं आज, और अगर सेपरेट करके चलते हैं तो आज आपको धन का भी लाभ जरूर होगा। चलिए, छह नंबर वालों को पर्सनल प्रोफेशनल को मिला के नहीं चलना है, थोड़ा स्पेस रखना है दोनों में, आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। सात नंबर की बारी आ चुकी है और आखिर अब जानेंगे कि सात नंबर वालों के लिए आज क्या कुछ खास होने वाला है। बिल्कुल, अगर आप जाना चाहते हैं यात्रा पे, छुट्टियां मनाना चाहते हैं, तो देखते हैं कि सात नंबर वालों को आज छुट्टियां मनाने के लिए तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। तो नहीं, आज कहीं ना कोई रुकावट आ सकती है, वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी होगी, और एक प्लानिंग में कुछ ऑब्स्टिकल और हर्डल्स आ रहे हैं, लेकिन आज के दिन में आपको देखना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जो भी आपने बीज लगाए थे या जो भी काम शुरू किया था उसके नतीजे के लिए आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन आज दिल से अगर आप रिश्तों के बारे में बात करें तो वो आपकी शुभकामना और आपकी इच्छाएं सब पूरी होंगी। तो अपने लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए अपने बारे में सोचें, टाइम निकालें अपने आप के लिए जरूर से। चलिए, सात नंबर वालों को थोड़ा यात्रा में परेशानी आ सकती है आज, लेकिन रिश्तों के लिए आज आपका दिन बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं आज अपनों के साथ समय बिताइए, रिश्तों में मिठास लाइए, आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। अब नंबर आता है 8 और 9 नंबर वालों का, लेकिन इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, फौरन हाजिर होंगे और आपके लिए भी बताएंगे। जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना, श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, हृष्ट पुष्ट होगा परिवार, श्री गोविंद, श्री गोविंद एगमार्क शुद्ध देसी घी। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान, बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान, सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में सुमंत्र, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र, नाड़ी वैद्य में आयुर्वेद का कमाल देखना, ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना, कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, खेतों में खुशहाली लाए, भोपारा है, भोपारा है, घर घर पर...
सालों साल चलता ही जाए। भोपारा है भोपारा। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपारा मोटर स्टार्टर। द वेट फॉर ग्लोबल एजुकेशन इन सिरसा इज फाइनली ओवर। MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call... सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं टैरो एक्सपर्ट एंड लाइफ डिजाइनर डॉक्टर सीमा मिड्डा। सीमा जी, 8 नंबर वालों की बारी आ चुकी है और 8 नंबर वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनके आज का दिन आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। बिल्कुल जरूर देखेंगे नंबर 8 वालों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या कहते हैं कार्ड्स। तो आज बहुत खुशियां रहेंगी, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाले हैं, सनशाइन की तरह शाइन करने वाले हैं। लेकिन ये भी बात पक्की है कि थोड़ा अपने काम के चलते अपने आप के लाइफ में थोड़ा डिटैचमेंट वर्ड लाना होगा, क्योंकि अगर आप काम से परेशान रहे तो फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आज का दिन पूरी तरह से फैमिली के साथ एंजॉय करने का है। चलिए, 8 नंबर वालों को आज फैमिली के साथ एंजॉय करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुशियों के साथ अपनी फैमिली के साथ आज का दिन बिताएं। बहुत खुशियां हैं आज आपके जीवन में, कार्ड्स कहते हैं। 9 नंबर वालों की बारी आ चुकी है, आखिर 9 नंबर वालों के लिए आज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ खास मिलेगा उन्हें। बिल्कुल देख लेती हूँ 9 नंबर वालों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आए हैं। तो आज विनर रहने वाले हैं, परीक्षा परिणाम का वेट कर रहे हैं, तो आज आपका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होगा। गुड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं। सो एंजॉय करें, अपने अनुभव का फायदा उठाएं, उसी में आज का दिन बहुत अच्छा बना पाएंगे आप। चलिए, 9 नंबर वालों को अपने अनुभव का फायदा उठाना है, पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, निश्चित तौर पर आज आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ये तो रहा नंबर्स की बात, दर्शक भी हमसे जुड़े, उनके सवालों के जवाब भी दिए सीमा जी, 1 से लेकर 9 नंबर तक हमने नंबर भी जाने जी। अब बात ये है, अगले दर्शक हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवालों के भी जवाब देते हैं। आशु, आशु कहिए क्या सवाल है आपका। हेलो, नमस्कार मैम जी। नमस्कार, हेलो मैम जी। आशु आपकी आवाज आ रही है हम तक, बताइए सवाल बताइए। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है मैम, उसका नाम है प्रभमीत सिंह जी। डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 2003। 2 मई 2003, सवाल क्या है आपका। मुझे उसके कैरियर के बारे में पूछना, उसे किस लाइन में जाना अच्छा रहेगा। पहली बात, वो नंबर 2 है और नंबर 2 जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। अगर पहली बात उनके नंबर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, अगर पढ़ाई में बात करें तो ऐसे लोगों को कॉमर्स और आर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं इसीलिए। और आगे उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी रहेगी, तो ये आया है वो मैजिक चलेगा उनका, क्योंकि नंबर 2 जो है वो शाहरुख खान का भी है। तो आप अपने भाई को अंडर एस्टिमेट ना करें, यहाँ पे यूं कहूंगी
कि आपके भाई का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। चलिए आंसू, आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ओम प्रकाश है पानीपत से हमारे साथ। ओम प्रकाश, कहिए क्या सवाल है। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पानीपत से बोल रहा हूँ मैडम। सवाल बताइए ओम प्रकाश जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/7/77 जी। 10/7/1977 जी। और मेरा जन्म स्थान है गांव फरमाना जिला सोनपुर में सर। सवाल बताइए ओम प्रकाश जी। सवाल तो पहले मैं गवर्नमेंट जॉब के गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, मुझे मिल नहीं रही। मैं चाहता हूँ मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसा पूछना चाहता हूँ जी। आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1977, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं लगता ऐसा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यहाँ पे कार्ड देखती हूँ, आप अपना आप खुद से काम करेंगे तो उसमें आपको फायदा रहेगा। और एक बात ये भी बोलूँ कि शॉर्ट टर्म मनी आपको नहीं मिलने वाली है, मेहनत से काम करने से ही फायदा मिलने वाला है। लेकिन आपको पोजीशन मिलेगी ये बात पक्की है, एक अच्छी पोजीशन आपको बहुत ही सफलता और नेम एंड फेम देने वाली है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोचते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको बहुत ही ऑब्स्टिकल आए, परेशानी हो, बनते बनते काम ना बने, लेकिन बहुत कुछ आपके लिए भी है और आप दूसरी चीजों को तलाशें। चलिए ओम प्रकाश जी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बैठे हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत है, एक अच्छी जगह आपको मिलने वाली है। तो टेंशन त्याग दीजिए, निश्चित तौर पर कुछ ऐसा होगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जो और उपलब्धियां मिलेंगी, एक नया मोड़ देगा, एक आपको उपलब्धि मिलेगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीमा जी, ओम प्रकाश के सवालों का भी जवाब दे दिया हमने, 1 से 9 नंबर तक के लिए भी जान लिया। अब बारी है उसकी जिसका बेसब्री से दर्शक इंतजार करते हैं, यानी कि आपकी कहानी की। बिल्कुल लक्ष्मी, आपने भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हो, आप रोज काम करते हो, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको भी अच्छे नहीं लगते होंगे। बिल्कुल। और कुछ ये अच्छे लगना ना लगना, अपने विचारों का उनसे नहीं मिलना, आपका ऊर्जा जो है आपस में तालमेल नहीं होता, इसलिए अच्छे नहीं लगते। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही एक बार गुरु जी थे और उनके छात्र जो थे उनको बहुत ही कंप्लेन करते थे कि मेरा ये फ्रेंड अच्छा नहीं है, मेरा ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, या घर में अगर किसी के साथ अच्छा विचार नहीं मिलते तो उनकी शिकायत करते थे कि वातावरण अच्छा नहीं है, घर का हम पढ़ नहीं सकते, या अपने दूसरों लोगों से अपने आप को तुलना करके अपने आप को कहीं ना कहीं हीन समझने लगते हैं लोग। और गुरुजी के पास जो छात्र थे, पूरी क्लास जो थी वो बहुत ही परेशान थी किसी एक दूसरे को लेकर। तो ऐसे आपकी जिंदगी में भी होता होगा, और कहीं ना कहीं मुझे भी कभी एनर्जी का तालमेल नहीं होता तो मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन मुझे इस कहानी सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं अपना तालमेल ठीक बना पाऊंगी। तो गुरुजी ने ये कहा कि कल से सब बच्चे बड़े बड़े आलू लेकर आएंगे, और वो आलू जो है वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगता उसका नाम उस आलू पे लेकर लिख के लेकर आएंगे। तो वो आपको अपने साथ अपने पास रखना है, जहाँ पे भी आप जाएंगे आप उनको साथ रखेंगे। तो सब छात्र बड़े खुशी खुशी से, किसी ने 4 लाया, किसी ने 5 लाया, किसी ने 6 लाया, और जिन जिन से उनको ईर्ष्या थी, नफरत थी, जेलेसी थी, हेट्रेड थी, गुस्सा आता था, उनका नाम लिख दिया व्यक्तियों का। चाहे ऑफिस में, अब जैसे आप लोग ऑफिस में जाते हैं या घर में जाते हैं तो कभी कभी किसी से भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो वो आलू गुरुजी ने कहा कि आप हर जगह हर समय अपने साथ रखेंगे। तो सब बच्चे खुशी खुशी से, एक दिन बीत गया, मेरे पास तो इतने आलू हैं, एक आपस में ही वो बात होने लगी। आलूओं की संख्या तो थी जितनी ही, लेकिन दूसरे तीसरे दिन कोई भी छात्र उन आलूओं को अपने साथ रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उनमें सड़ने की स्मेल आने लग गई थी, और सड़ने की स्मेल के साथ साथ में वातावरण में भी को भी अस्वच्छ कर रही थी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, अभी तो आपको 7 दिन तक साथ रखना है। लेकिन जैसे तैसे करके 7वां दिन पूरा नहीं हुआ, सब लोग चाहने लगे कि अब ये जो थैली है, आलुओं की पोटली है, इसको फेंक दिया जाए। तो गुरुजी ने ये समझाया बच्चों को कि बच्चों, जिस तरह से आपने इन इन सब व्यक्तियों को, जो आलू हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, इनसे आप ईर्ष्या करते हो, उन व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके तन मन धन के वातावरण में उनकी अशुद्धियां आ जाती हैं, जिससे आप सफल होते होते असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी देखें आपकी जिंदगी में ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनसे आप ईर्ष्या करते हैं, उनको अपनी जिंदगी में, दिमाग में, दिल में स्थान ना देकर अपने आप को शुद्ध करें और अपनी सफलता को श्योर करें।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बताया सीमा जी आपने कि निश्चित तौर पर जो गलत होते हैं हमें उनके लिए नहीं सोचना है। जितना समय हम दूसरों को देते हैं उतना अगर हम अपने लिए दें, ये सोचने में देते हैं कि वो गलत है, मुझे उससे जलन है, ये सब ना सोच के करें तो निश्चित तौर पर हमें सफलता मिलेगी। सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, नमस्कार आने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, बताएंगे आपकी किस्मत का कनेक्शन और एक नई कहानी से आपको देंगे नए सुझाव। दीजिए इजाजत, नमस्कार।